उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन शुरू। राजस्व टीम ने आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच शुरू की। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और अन्य आरोपियों की हो रही है जांच। बहराइच हिंसा मामले में सीओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अब तक 3 तरफ से दर्ज किए गए हैं मुकदमे। बहराइच में हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को किया गिरफ्तार, लेकिन 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ अब तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। उमर अब्दुल्ला आज लेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। डल झील के किनारे शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल रहेंगे मौजूद। इंडिया गठबंधन नेता अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, प्रकाश कारत, डी राजा भी होंगे शामिल। टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत फिर से बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 नवंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी भी उतारेगी उम्मीदवार। मायावती ने एक्स पर लिखा, बीएसपी अपने दम पर लड़ेगी उपचुनाव। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा झारखंड कोर ग्रुप के साथ बैठक की। झारखंड के लिए बीजेपी 1-2 दिन में जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक सीसी की बैठक में 55 सीटों पर तय हो चुके हैं उम्मीदवार। केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा की। महाराष्ट्र में आज महायुति गठबंधन की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार एक साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी का करेंगे दौरा। आई हॉस्पिटल के अलावा कई निर्माण कार्यों का करेंगे उद्घाटन। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। डिनर पार्टी में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से की मुलाकात। खाने पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से बेचने वालों के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में योगी सरकार। सीएम योगी बोले, खान पान में गंदगी मिलाना अपराध माना जाएगा। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कदम न उठाने पर दिल्ली सरकार को लगाई गई थी फटकार। शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठन की चेतावनी। कहा, अगर अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो फिर से करेंगे बड़ा आंदोलन। बिहार के मुजफ्फरपुर में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए विवाद में लगातार दूसरे दिन भी मारपीट। हमले में एक आदमी गंभीर रूप से हुआ जख्मी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पेट्रोल पंप के कर्मचारी की पिटाई। मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का है आरोप। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पिटाई की वारदात। बीजेपी नेता का खास है आरोपी। आगरा के ताजमहल में एसआई और सीआईएसएफ की लापरवाही आई सामने। ताजमहल की मीनार पर चढ़ा युवक वीडियो कॉल पर कर रहा था बात। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली इलाके में जमीन विवाद पर दो पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरे पक्ष के लोगों की कार को तोड़ डाला। गुजरात के सूरत में जिम में एक्सरसाइज के दौरान बिजनेसमैन की हार्ट अटैक से हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। स्कूटर सवार को बचाने के लिए टोल बूथ को उड़ाया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज आज से शुरू। कुछ देर में बेंगलुरु में शुरू होगा पहला मुकाबला। इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान में किए कई ताबड़तोड़ हवाई हमले। धमाकों से दहल उठा पूरा का पूरा इलाका। और इसराइल और लेबनान के बीच और तेज हुई जंग। नेतन्याहू बोले, जीत हासिल होने तक जारी रहेगी ये जंग।